0, 0, 1 to 100, फिर 0, 1, 0 into 200, तो इस तरीके से करके 5 हो गए। अब ये लेके गए 500 लेके गए कन्वर्ट कराने के लिए, रस्ते में हुआ था कि इनसे एक कंडक्टर मिल गया, कर लो क्या करो, वो सर्टिफिकेट मिल गया इनको, ले जाकर फेल दिया काम खत्म। ये था पुराना दौर। अब क्या है, डीमेटलाइजेशन के थ्रू जिसके अकाउंट में शेयर है कोई दूसरा उसको छू भी नहीं सकता। भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, हम जाए तुम्हारे अकाउंट में पैसा निकाल सकते हैं, जब तक दो चीजें मेरे पास नहीं होंगी नहीं निकाल सकता हूँ, पहला एटीएम, दूसरा चेकबुक। एटीएम फ्री नहीं लाएगा, चेकबुक तो तब तक नहीं निकलेगी जब तक वहाँ सिग्नेचर नहीं होंगे। हमने मैनिपुलेट करके सिग्नेचर भी कर लिए, मालूम पड़ा सिग्नेचर मिलता है, पेमेंट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हुए हैं तो उसको कोई भी खरीद सकता है और ना बेच सकता है। एक डीमेटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किए जाते हैं, कोई भी शेयर आज की तारीख में आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं, ठीक है। इसके साथ क्या मिलता है, इसके साथ आपको मिलता है डीआरआई। डीआरआई क्या होता है, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शेयर को फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन बाय द ऑल होल्डर, जितने भी होल्डर होंगे सब साइन करेंगे उस पे। अगर 10 शेयर होल्डर तो 10 शेयर होल्डर साइन करेंगे, 2 शेयर होल्डर तो 2 शेयर होल्डर साइन करेंगे। जब तक फॉर्म पे सारे साइन नहीं होंगे आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हर एक कंपनी का एक यूनिक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ISIN नंबर। ये हर एक कंपनी को दिया गया है जो कंपनी हमारे डीमैट्री लिस्ट में है। अगर किसी कंपनी का ISIN नंबर नहीं है ऐसी कंपनी डीमैट्री में नहीं होगी। और ISIN स्टैंड करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आपका एक यूनिक रोल नंबर है, उस रोल नंबर का कोई भी अनवर नाता नहीं होगा। उसी तरीके से अगर किसी कंपनी को ISIN नंबर मिला है तो दैट नंबर इज यूनिक फॉर स्पेसिफिकली फॉर दैट कंपनी ओनली एंड नो अदर कंपनी कैन यूज, ठीक है। इसके बाद होल्डर का अकाउंट डिटेल होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद आपका एंड बहुत सारी चीजें। जो मेन चीजें है वो क्या है, जब हम शेयर को अपना कन्वर्ट कराते हैं उससे पहले नहीं है, यहाँ पर है क्या, ये हमारा क्लाइंट है, यानी कि हम लोग शेयर लेके गए किसके पास, शेयर लेके गए हम डीपी के पास। डीपी के पास गए क्या कि हमने डीआरए फॉर्म भर रखा, फिजिकल फॉर्म से शेयर सर्टिफिकेट है, इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक। वो क्या करेगा, वो सारी की सारी एंट्री जो फॉर्म में भरी हुई है वो करेगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेगा तो एक रिक्वेस्ट चली जाएगी किसके पास, एक रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके NSDL के पास, और उसी के साथ एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके आरएनटी एजेंट के पास। आरएनटी एजेंट होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट या इशुअर जो कंपनी शेयर को इशू करता है। वहीं पर डीपी इसकी फिजिकल फॉर्म की कॉपी किसको भेज देगा, एनएलसीएल को भेज देगा। जैसे ही सिस्टम में एंट्री करके सबमिट करेंगे दो मेल बाय डिफॉल्ट अपने आप एनएलसीएल के पास और आरएनटी एजेंट के पास चली जाएगी, और उसके बाद डीपी फिजिकल फॉर्म में जो फॉर्म और सर्टिफिकेट आए थे वो एनएलसीएल के पास। एनएलसीएल क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा आरएनटी एजेंट से क्या आपने इस नाम के शेयर इस पर्सन को इशू किए थे। ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आरएनटी के पास ये आ चुकी है, एक इंफॉर्मेशन एनएलसीएल से आई है, दोनों इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद
पीपी को कि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक। और उसके बाद पीपी कंफर्म करेगा क्लाइंट को थ्रू स्टेटमेंट कि आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं आप लोगों को, आपने बैंक में चेक काटा, चेक किसको दिया, किसी पर्सन को दिया, वो क्या करेगा, वो चेक बैंक लेके जाएगा, बैंक में जमा करेगा, बैंक उसको क्लियरिंग हाउस में लेके जाएगी जहाँ पे चेक क्लियर होंगे और आपके अकाउंट से पैसा निकल के उसके अकाउंट में चला जाएगा। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, या तो आपके मोबाइल पे SMS अलर्ट आएगा या आप अपनी पासबुक को अपडेट कराएंगे, ये तरीका होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम तरीका है, पीपी आपको फोन करके नहीं बताएगी कि आपके शेयर कन्वर्ट हो गए हैं, जब आप पीपी से जाके अपना स्टेटमेंट निकलवाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शेयर। जब आप शेयर सर्टिफिकेट देंगे पीपी को और पीपी आपके सिस्टम में एंट्री करेगी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हर पीपी यूज करती है। क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर सेंटर में दो क्रॉस साइन खींचती है, जिसका मतलब होता है शेयर आपके सरेंडर हो गए हैं किसके लिए, डीमेटलाइजेशन के लिए। और इसके बाद ऊपर पंचिंग मशीन से वो होल्ड कर दिए जाते हैं, दैट मींस अब ये शेयर सर्टिफिकेट बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, इसका हम रीयूज नहीं कर सकते ठीक। अगर कभी भी शेयर सर्टिफिकेट को पंच नहीं किया गया है देन दैट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी रीयूज। तो जो भी टर्मिनल पर बैठ के काम कर रहा होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि शेयर सर्टिफिकेट को पंच जरूर करें। वे बैक इन द ईयर 2005 जब लोग समर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सारे समर ट्रेनिंग अब तो जो कम हो गई है, जो MBA करेंगे आगे फिर हार्डली सिक्स वीक और 45 days चले ही हो रही है, बट हम लोग का टाइम समर ट्रेनिंग हुआ करती थी 8 weeks to 10 weeks, यानी कि 2 महीने से 2.5 महीने के बीच। और क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं MCMM मॉड्यूल, मेरा वो मॉड्यूल क्लियर था, तो मेरी समर ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ समर ट्रेनिंग मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, उन्होंने मुझको हायर कर लिया था फॉर अनदर 6 मंथ। तो हम लोग का बेसिकली काम क्या होता था कि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। आज की तारीख में बहुत रेयर लोग होंगे जिनके पास आज भी फिजिकल फॉर्म में शेयर होंगे। हम बात करें 2005 की, 2005 यानी कि आज से लगभग 12 साल पहले बात कर रहा हूँ, उस समय शेयर फिजिकल फॉर्म में ही होते थे क्योंकि लोगों को अवेयरनेस, तो सुबह से शाम तक करते करते मालूम हालत ये हो जाती थी कि किसी का फॉर्म पंच करना भूल कर आज जब रात में फॉर्म चेक करते थे तो मालूम पड़े 500-600 सर्टिफिकेट पड़े जिनको पंच करना था। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द गाइडेंस ऑफ सेबी। और तब तक आप शेयर सर्टिफिकेट अगर NLGL भेज भी दोगे तो NLGL उसको कन्वर्ट नहीं मानेगा क्योंकि शेयर का पंचिंग। लेकिन यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्म है, एनएलजी के
पास भेजेगी एक कॉपी रजिस्ट्रार कर्मचारी के पास आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा एनएसडीएल से, एनएसडीएल कंफर्म करेगा और एनएसडीएल उन शेयर पर उन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से सर्टिफिकेट को दोबारा फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको भेज देंगे, टीवी को भेज देंगे और आर एम टी जो प्रिंटेड सर्टिफिकेट को भेज देगा आपके क्लाइंट को भेज देगा और टीवी को बता देगा कि इनके शेयर अब खाते में नहीं रह गए हैं, अब ये मैंने दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा ऑफ मार्केट और एक होता है